तो आज वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं और पार्थ आए एक्सरसाइज करने के। सारी खुशियां हैं बाबू, नहीं मुंह में नहीं देते, गंदी बात करते हो आप। एक्सरसाइज करते हैं बात, चलो ठीक है। और सुबह का टाइम है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, 6 बज रहे हैं, देखिए कितना मौसम अच्छा हो रहा है। सुबह के समय इतना अच्छा मौसम होता है ना, छत पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम होता है। अभी भी कुछ लाइट्स जली हुई हैं, रोड जो स्ट्रीट लाइट होती है वो जली हुई हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अंधेरा था हम आए थे। तो मैंने कहा पार्थ बेटा, ये गंदी बात, पता नहीं इसमें ये क्या आदत हो गई, ये मुंह में देता है कपड़े वगैरह सब। बेटा ये गंदी बात होती है, पता आपको कपड़ों की जो आपका मुंह नहीं है जी, आप आपका ऐसे बातों में और घुमा लेता है। नहीं है, मेरा मुंह है। हाँ आपका मुंह है मुझे पता है, ऐसे 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 बातों में और मुझे घुमा देता है। फिर चलो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हम, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैंने जो चलने की एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस की थी, मैं चलने वाली प्रैक्टिस करती नहीं हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम की, तो मेरे यहाँ पे पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। ये मतलब इसकी ज़रूरत पड़ी थी ना, पैर वैर में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस जगह बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पर कल से ही, कल नहीं परसों की थी मैंने एक्सरसाइज, कल तो थोड़ी बहुत की थी, ऐड नहीं किया। अब चलो हम, यही मैं बता रही थी बस, थोड़ा यहीं पर दर्द हो रहा था। पार चलो हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, ओके मैं और पार। और तुम ऐसे करो। कैसे करूं बताओ? ऐसे, मुझे ऐसे, तो अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 बस। क्योंकि एक्सरसाइज हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और चलो क्या, मैं तो हमेशा ज़्यादातर एक्सरसाइज जो करती हूँ ना, वो पीटी वाली करती हूँ, जो स्कूल में सिखाई जाती है मुझे पीटी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हाँ, आपके वो रखते हुए थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं। कौन सी वाली बताओ? अभी जो तेरे थे, अभी देखी थी, कौन सी? बटरफ्लाई वाली, ऐसे बटरफ्लाई जो बनाई थी पैरों से, ऐसे करके वो वाली, पैरों को जॉइंट करना। आप खड़े होइए, चलिए मैं बताती हूँ आपको, स्टैंड अप जल्दी जल्दी, मैं बताती हूँ ना बाबू। क्या हुआ बताओ, ये शूज निकालो आप और करो करो, ऐसे करो, बैठो बैठो बैठो, ऐसे पैरों को ऐसे करके जॉइंट करके, तो ऐसे करो, ऐसे करके देखो। अच्छा ये वाला आपको आता है? मुझे तो नहीं आता, चलो आप करके दिखाओ, आप दिख नहीं रहे हो वीडियो में। देखो पार्थ को, यो वाओ, ये वाली एक्सरसाइज आती है, करके दिखाओ। ओहो देखो, पैरों को ऐसे जो रखना है, देखो पार्थ ऐसे करना है, पैरों को इधर रखना है और हाथों को ऐसे। तो हम ऐसे भी कर सकते, मेरा मुझे मतलब तो हम ऐसे भी कर सकते। ओम नमः शिवाय, देखते हैं कौन पहले गिरेगा, आप या मैं, ठीक है? आप मुझे टच नहीं हो ना, बात नहीं, टच नहीं हो ना। मुझे ये एक्सरसाइज करने ही नहीं देगा फिर तो। ओम नमः शिवाय, रुको मेरा पैर तो दिख नहीं रहा थोड़ा सा, आप पार्थ पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, हाँ ऐसे ठीक है। अब करो बस, इतना भी पीछे मत जाओ। अब इस पैर को इसके पास रखो और हाथों को ऊपर लेके जाओ और करो, सांस को अंदर रखना है, ठीक है? जो आउट नहीं होगी, देखो आप मुझे गिरा रहे हो, देखो मैं आपको आउट कर दूंगी, पर मैं आउट नहीं होंगी, देख लेना। ओ मैं तो थक गई सच में। अब ये वाली करते हैं, ये वाली करो, रेस वाली, इधर करो, इधर रेस वाली, इधर क्या करो, रेस वाली भी बहुत अच्छी होती है। यस मैं ये वाली करती हूँ, आप रेस वाली करो, इसी साइड में रखो ना बेटा। अब करो इधर, वाओ सुबह सुबह एक्सरसाइज करके अच्छा लगता है ना पार्ट? नहीं डंडा, हम तो बंदा से डोरी में बैठते जाते हैं। अच्छा लगता है बेटा, इससे ना क्या होता है, हमें फुर्ती आती है हमारे शरीर में और माइंड में भी। हाँ मेरा बॉडी बिंटा लॉन्ग बंदा बंदा, एक
एक पैर से ही होती है मेरी एक्सरसाइज, दूसरा पैर तो उठ ही नहीं रहा है, एक पैर ही उठ रहा है। पास इधर आके करो बाबू, इधर ऐसे कर लो बुआ जैसी एक्सरसाइज, देखो बुआ के तो एक पैर में एक्सरसाइज हो रही है, दूसरे पैर में तो हो ही नहीं रही है बेटा। ऐसे लो सकते हो, ऐसे मेरे पैर कैसे, ऐसे ऐसे पैर तो उल्टा सकते हो। ओ आप ऐसे कर रहे हो, ये वाली तो मुझे आती नहीं। वन टू वन आप फिर आप दो यार आई ना आई ना। हाँ सही कर रहे हो, ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सन भी निकलने वाला है, पार सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो देखो सूरज सन सूरज निकल गया, सूर्य नमस्कार कर, ऐसे कर ऐसे कर, वो रहा सूर्य निकल रहा है, नहीं दिख रहा वो रहा, देखो वो रहा सूरज दिख नहीं रहा आपको, एक ही निकलता है बेटा, वो एक ही होता है। हाँ वो तो ऐसे उनमें आता है ना, ऐसे ऐसे फिर से पानी भी बाहर जाता है, वो आला है। हाँ बेटा वो जिम्मी आ गई। एक्सरसाइज करो, नहीं वो नहीं आएगी बेटा आपके पास नहीं आएगी, आप एक्सरसाइज करो देखो, फिर आप में पावर आ जाएगी ना, शक्ति आ जाएगी। हाँ क्या हुआ, मैं हूँ ना आपके पास, आप डरो मत, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ जाओ, डरो मत आप, मैं हूँ ना। मुझे टच कर लिया, पकड़ लिया डर की वजह से। देखो सन निकलने वाला है वहाँ पे, अब हम थोड़ी देर पार्क और मैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन वीडियो बंद कर देते हैं, वीडियो में इतनी ठीक है बेटा। चलो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप डरो मत, मैं हूँ ना आपको। ओ माय गॉड जिम्मी तो आ रही है, देखो जिम्मी एक कैटी है जो पड़ोस में है, पड़ोस वाली भाभी ने उसको पेट बना रखा है। ओ नो नो, गो 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 गो, इसको भगाना। ओ मेरा बाबू देखो कैसे आईज क्लोज करके एक्सरसाइज कर रहा है, और पैरों की एक्सरसाइज। ये अपने आप ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मैं अपने मन से इनकी एक्सरसाइज का मुझे हम तो पता नहीं, अपने मन से कर देती हूँ। इधर कर पाते करो, और कौन सी दूसरे पैर के सारे से ऐसे वाली है अब, अब ऐसे वाली है। हाँ ये वाली करो, यहाँ बैठ करो, ये जो मेरा वन टू थ्री फोर लेफ्ट पैर है, ये वाला, ये जो लेफ्ट पैर है ना, ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है मेरा। हाँ हाँ आपकी बात सुन रही हूँ बेटा, सिखाओ बेटा सिखाओ मेरे बच्चा, तो ये मुझे बता नहीं दे रहा नहीं है क्या हो रहा है। ये वाला पैर तो अपने आप ही देखो, मतलब ये इसको मैं थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये वाला पैर है जो मेरा लेफ्ट। सॉरी बात फिर कभी बताऊंगी, चलो आप बताओ क्या बता रहे, चलो आओ इधर। हाँ बताओ ऐसे, इधर आके बताओ, इधर आओ आप, इधर दिख नहीं रहे हो, अच्छा ऐसे करना है, ओके इधर आओ आप भी तो दिखने चाहिए, अच्छा ऐसे वाली, ये वाली तो मुझे आती है, ये वाली बटरफ्लाई
1 2 3 4 ऐसी तो कर रही हूँ, ये लो। अच्छा ये नीचे लेके आना है, लो। ओ ऐसा करते, ओ वाओ। अब एक्सरसाइज हो गई, थक गई, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, अब हम दोनों खेल लिए, अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मेरी दिमाग की पढ़ाई करो, मैं अपनी दिमाग की पढ़ाई। हाँ हम दोनों अपनी अपनी दिमाग की पढ़ाई करेंगे, इसको बहुत बातों में लेना पड़ता है, मैंने ना पढ़ता है ना पढ़ने देता, ना कुछ करता है ना करने देता, नौटी बच्चा। भाभी काम कर लेंगी, बोलेंगी इसको आप संभालो, तो मुझे ही संभालना है ना मेरे प्यारे से बच्चे को। चलिए तो आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैसे सेलिब्रेट होता है वैसे, होली का दहन है आज, कुछ स्पेशल नहीं, मिठाई वगैरह बनाएंगे घर में, और मम्मी यहाँ है नहीं, आपको मैंने शायद बताया नहीं, वो थोड़ा बता नहीं है, हो सकता है आज आ जाए, मैंने बताया नहीं किसी ब्लॉग में, बता नहीं पाई। बता दी, मेरी नानी थी, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब 100+ थी मेरी नानी जी, स्वर्ग से तार गई हैं, तो मम्मी वहीं गई हुई है, मामा जी के यहाँ गई हुई है, नानी जी अब नहीं रही हमारे बीच, नानी जी नहीं रही हैं। वो परिवार देख लिया अपना, बहुत ही बड़ा परिवार, उनका विमान निकला था, बहुत बड़ा विमान निकला था नानी जी का, मैं नहीं जा पाई, मम्मी भाभी सब लोग गए थे। डर लग रहा है, मैं अपना फ़ोन रख लेती हूँ, वरना मेरा फ़ोन लेके छीन के भाग सकता है वो। सो ये दोपहर का समय है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इस बात की कि मम्मी आ गई थी, तो मम्मी आ गई थी, मैं भाभी मम्मी हम सब लोग मिलकर दोपहर के समय गुजिया बना रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शॉट ले लिया, लेके तो गया था ऐसा सही करने के लिए। ये हो रही है, ये बन रही है होली की मिठाई, जिसे कहते हैं गुजिया। देखो मैं भी बैठी हुई हूँ यहीं, वहाँ भाभी क्या हो रहा है, ये गुलरी की माला बन रही है जो होलिका दहन के लिए होलिका मैया के पास लेकर आते हैं। सो माला बन के कंप्लीट हो गई, ये बन इसको इधर रख देती हूँ। जो होलिका दहन में डाली जाती है ना गुलियों से बनाई गई माला, ये वही है, वो वाला काम भी कंप्लीट हो गया। ये देखो गुलियाँ यहाँ रखी हुई है, इनकी भी अपने घर के आंगन के आगे होलिका बनाई जाती है होलिका दहन के लिए, वही उसका प्रतीक जो है, इसकी कहानी आप जानते होंगे। ये कंडी लग गई है और ये माला बनकर रेडी हो गई, तो ये वाला भी काम कम्प्लीट हो गया। होली का पूजन कराए थे भैया और भाभी, और मालाओं को डालाए थे जो बनाई थी, और शाम की मिठाई की तैयारी हो रही थी, हमें गोला घिस रही थी, मैं तो पूजन के लिए नहीं गई थी, मैंने घर पे ही पूजा की थी, और जो गुजा बन गए थे उनको हम खा रहे थे मैं भैया। तो रात के बज रहे हैं 11:15 और मैं बालों में ऑयल डाल रही हूँ, अभी होलिका दहन नहीं हुआ है, होलिका पूजन नहीं हुआ है, रात के 11 बजे का शुभ मुहूर्त बताया है, और 10:45 हो गए, काम वाम पूरा दिन ऐसे थकावट हो गई, बहुत ज़्यादा मिठाई बनाई एट एक्स्ट्रा, बहुत सारा काम किया हो जाता है, त्यौहार होता है ना सच में घर में बहुत ज़्यादा काम होता है थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ तो सूट कर नहीं पाई, लेकिन देखो गला बैठ गया पता नहीं कैसे सॉरी। तो आज का दिन जो भी था, मतलब जो कुछ भी मैं वीडियो बना पाई वो ऐड कर दूंगी इस ब्लॉग में। आज सुबह समथिंग मैं 5:30 बजे उठ गई थी, सुबह 5:30 बजे से लेकर ये समझ लीजिए हाँ आधे घंटे एक घंटे के लिए तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, मेरी बॉडी मतलब सभी को रेस्ट करना ज़रूरी होता है जो काम करते हैं। वो आज ट्यूशन भी नहीं था, ट्यूशन की छुट्टी थी, फिर भी त्यौहार के टाइम पे सच में इतना सारा काम हो जाता है, देखते देखते एक काम दो काम। मैं भाभी मम्मी मम्मी भी आ गई थी आज, मैंने बताया था बाहर गई हुई है मम्मी, नानी जी के यहाँ बाहर का मामा जी के यहाँ गई हुई थी, तो वो भी आ गई, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये गुजिया तो कल बनाएंगे, और फिर भी बहुत सारी मिठाई मतलब बनाना घर में, और होलिका दहन की तैयारी, बहुत कुछ काम हो जाता है, वो सब कुछ मैं ब्लॉग में आप देख सकते हैं। और बस रात का समय है जब मैं शूट कर रही हूँ, बस गुड नाइट, ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ, और होली का पूजन जो होगा वो देखती हूँ शूट हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ होली का पूजन करके, बस फिर सोऊंगी या फिर सुबह जल्दी उठना है इसलिए सोऊंगी। देखो क्योंकि कलरों से बचाने के लिए अपने बालों को
तो 11 बज गए थे, पूजा का बस मुहूर्त सुमुहूर्त स्टार्ट हो गया था, तो अपनी अपनी कॉलोनी के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे होलिका मैया के पास। ये बाहर का सीन है, बहुत अंधेरा जैसा लग रहा होगा आपको, बट आप एडजस्ट कर लेना क्योंकि स्ट्रीट लाइट से इतनी रोशनी आ नहीं रही थी। और मम्मी थी ये घर के आंगन जो था ना, वहाँ पे होलिका मैया बनाई गई थी, वहाँ पे ये आटे की कुछ लोई बना रही हैं, उनको सेकेंगी, और ये चने थे उनको भी सेका जाएगा, और ये गेहूं के जो दाने होते हैं इनको भी भूना जाता है इसमें। फिर एक दूसरे को, बड़ों को, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, और ये प्रसाद दिया जाता है, और जो अपने बराबर होते हैं उन्हें गले लगाया जाता है। सभी एक दूसरे को गले लगकर हैप्पी होली विश करते हैं, और देखो वो जल रही होलिका मैया, होलिका दहन हो गया, बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई। हमेशा अपनी कभी भी अपनी शक्ति और वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना वो खाक में जलकर राख हो जाती है। तो होलिका मैया, हिरण्यकश्यप, प्रह्लाद जी, विष्णु भक्त प्रह्लाद जी की कहानी तो आपको पता ही है। होली इसी का प्रतीक है, बुराई पे अच्छाई की जीत।